Hello friends and welcome to my channel Learning and Speaking. Today we discuss the use of will be and shall be. Will be and shall be is a helping verb of future tense. Will be, shall be are used with, in, but whenever we see the presence of any person or thing anywhere or even the possibility of its presence, then we will use will be, shall be there. Will be, shall be, we will not be used here for an action or for any purpose, as we mean here only to be there, not for action. In this, be will only show presence and no kind of verb will be used with be. Will be, shall be ka prayog. Will be, shall be future tense ki helping verb hoti hai. Iska prayog in ke saath kiya jata hai. Parantu jab kabhi bhi hum kisi bhi vyakti vastu ka kahin par upasthit hona ya uski upasthiti ki sambhavna ko darshate hain, to fir wahan will be, shall be ka prayog kiya jata hai. Will be, shall be ka prayog yahan kisi bhi kriya ke liye nahi hota, kyunki yahan be se hamara tatparya keval hone ke liye hai, kriya ke liye nahi. इसमें बी सिर्फ उपस्थिति दर्शाएगा और बी के साथ किसी भी प्रकार की क्रिया का प्रयोग नहीं होगा. अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य. फॉर मेकिंग दिस वी यूज सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट. हेयर उस जगह का नाम, देयर वहाँ. फॉर एग्जाम्पल अभी वह ऑफिस में होगा. ही विल बी इन द ऑफिस नाउ. आपके पैसे पर्स में ही होंगे. Your money shall be in your purse. Next is negative sentence, अर्थात नहीं वाले वाक्य. For making this we use subjects plus will shall plus not plus be plus object. For example, तुम्हारे पैसे अलमारी में नहीं होंगे. Your money will not be in the almirah. मेरी गाड़ी पुलिस स्टेशन में नहीं होगी. My car will not be in police station. नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस अर्थात क्या वाले वाक्य. फॉर मेकिंग दिस वी यूज विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल क्या पैसे तुम्हारे बैग में ही होंगे. विल मनी बिल इन योर बैग. क्या उसके घर में दो बिल्ली होंगी. शैल टू कैट्स बी इन हिज हाउस. इन लास्ट देयर इज इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस अर्थात क्या प्लस नहीं वाले वाक्य. फॉर मेकिंग दिस वी यूज विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल क्या उसका पेन टेबल पर नहीं होगा. विल हिज पेन नॉट बी ऑन द टेबल. क्या पनीर की सब्जी कुकर में नहीं होगी. विल पनीर वेजिटेबल नॉट बी इन द प्रेशर कुकर. सेकेंड पार्ट ऑफ विल बी एंड शैल बी. फर्स्ट पॉइंट इज होगा, होंगे, होगी. वेन एवर वी शो द प्रेजेंस ऑफ एनी पर्सन और थिंग इन द फ्यूचर टेंस वी यूज विल बी शैल बी देयर. देयर इज नो एक्शन इन इट. विल बी, शैल बी का प्रयोग भाग दो. नंबर एक होगा, होंगे, होगी. जब कभी भी फ्यूचर टेंस में हम किसी भी व्यक्ति वस्तु की उपस्थिति कहीं पर दर्शाते हैं तो हम वहाँ विल बी, शैल बी का प्रयोग करते हैं. इसमें क्रिया नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल अनुराधा अपने घर होगी. अनुराधा विल बी इन हर होम. राम कल क्लास में नहीं होगा. राम विल नॉट बी इन क्लास टुमारो. क्या वह अभी ऑफिस में ही होगा. विल ही बी इन ऑफिस नाउ. क्या वह इस समय स्कूल में नहीं होगा. विल ही नॉट बी इन स्कूल एट दिस टाइम. सेकेंड पॉइंट रहेगा, रहेगी, रहेंगे. Whenever we talk about any person or thing being the same from its present state to the future, then will be, shall be is used there. जब कभी भी हम किसी व्यक्ति या वस्तु को उसकी वर्तमान स्थिति से फ्यूचर तक एक जैसा रहने की बात करते हैं तब वहाँ will be, shall be का प्रयोग किया जाता है. For example, वह तो पागल ही रहेगा. He shall be mad. तुम हमेशा हिंदी स्पीकर नहीं रहोगे. You will not be Hindi speaker always. क्या आपकी किताब यहीं रहेगी. Will your book be here? क्या हम हमेशा बच्चे नहीं रहेंगे. Shall we not be always kid? Third point is बनूंगा, बनेंगे, बनेगी.
Whenever any person or thing talks about becoming or being something in the future, then we use will be, shall be, there. In the case of banunga, banenge, banegi, become can be used instead of be. थर्ड पॉइंट बनूंगा बनेंगे बनेगी जब कभी भी कोई भी व्यक्ति या वस्तु फ्यूचर में कुछ बनने या होने की बात करता है तब वहां विल बी शैल बी का प्रयोग किया जाता है बनूंगा बनेंगे बनेगी के केस में ही बी की जगह बिकम का प्रयोग किया जा सकता है फॉर एग्जांपल मैं इंजीनियर बनूंगा आई शैल बी एन इंजीनियर आई शैल बिकम एन इंजीनियर वह क्रिकेटर नहीं बनेगा ही विल नॉट बी क्रिकेटर ही विल नॉट बिकम क्रिकेटर इन एग्जाम्पल में वाक्य को दोनों तरीके से बनाया गया है बी के साथ भी और बिकम के साथ भी आज के लिए बस इतना ही मेरे आगे आने वाले वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू यूज एंड स्पीक टाइम इन इंग्लिश अगर आप मेरे वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल लर्निंग एंड स्पीकिंग को सब्सक्राइब कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो